तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। हजारों साल बिना समझदारी के बिना जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्त को भी दीमक की तरह चाट जाती है। आज हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। खुद के अलावा किसी के भी शरण में मत जाओ, क्योंकि आपके भीतर ही तो परमात्मा है। इसीलिए दूसरों के पास जाकर क्या मिलेगा? अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान ही मानसिक गुलाम हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए इन सभी विचारों को आप अपने जीवन में जरूर चरितार्थ करें, आपकी जिंदगी बदल देंगी, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खुश रहें और हमेशा मस्त रहें, और दूसरों से नफरत ना करें, बल्कि हर किसी से प्रेम करें, हर किसी को अपना समझें। इसी में आपकी खुशी है।